बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बना रहे हैं मैक्रोनी, वेज मैक्रोनी विदाउट चिकन। तो मेरी सिस्टर मिंसा ने मेरी हेल्प की और उसने कहा आप ही चलो वीडियो बनाते हैं। तो हमने एक पैन लिया, उसमें ऑयल डाला। वैसे ही कभी कभी घर में कुछ अच्छा नहीं बना होता तो हम ये बना लेते हैं चिकन के बिना। 10 मिनट्स की रेसिपी है ये। अब हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन जो है वो पास्ता में मैक्रोनी में बहुत अच्छा लगता है। अब हम ये जो हमने लहसुन डाला है इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, मतलब गोल्डन ब्राउन होने तक। अक्सर जो है ना पास्ता और मैक्रोनी की क्रेविंग होती है, तो ये जो है ना वो मोटी वाली एक मैक्रोनी थी और ये काफ़ी क्यूट भी लग रही थी, तो मैंने कहा ये देखो बना के कैसे लगती है। फिर मैंने सब्ज़ी काट के रख ली थी, ये मैंने इसमें प्याज डाल ली कि अब चिकन तो है नहीं। फिर हम इसमें ये मैंने प्याज डाल दिया और इसमें ना मैंने लाल मिर्च, वो जो ददली लाल मिर्च होती है ना वो डाली है, चिली फ्लेक्स जो होते हैं वो मैंने डाले हैं। और इसको ये देखिए मैं फ्राई कर रही हूँ। ऐसे ही वीडियो जो है ना वो मेरी बहन बना रही थी, जब तक मैं ग्रेवी बना रही थी मेरी बहन ने जो है ना वो मैक्रोनी बॉईल कर दी। तो ये उसने इसमें ऑयल डाला, ये नमक डाला मिंसा ने। जब तक ये मैक्रोनी हमारी जो है वो बॉयल होगी तब तक हम ये ग्रेवी बना लेते हैं। अब चिकन तो था नहीं, ग्रेवी फिर जितनी अच्छी होगी ना उतना सही रहेगा। ये मैक्रोनी है देखिए मोटी वाली, वो हमने डाल दी, वो बॉयल हो रही है। ये हमने इसमें शिमला मिर्च डाल दी, नमक सा हल्का सा डाल दिया और इसको फ्राई कर लेंगे। और फिर टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। हम सब ये चीज़ें शौक से खाते हैं, नूडल्स मैक्रोनी, तो ये अक्सर हम सीज की जाते हैं ना तो ये लेकर ही रखते हैं। वैसे काफ़ी लोग चिकन नहीं भी खाते तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी रेसिपी है, इसमें मतलब हम इजीली बना सकते हैं। तो ये वीडियो मेरी बहन ने बना ली थी तो मैंने कहा मैं शेयर कर देती हूँ। इसमें ग्रेवी हम इतनी स्पाइसी रखेंगे कि हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे ये फिर इसमें हम केचप डाल देंगे, और भी केचप अगर डिफरेंट फ्लेवर्स के हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें मैंने फिर ओरिगेनो, थाइम, रोजमेरी, ये वाले सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, इनसे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। वैसे जो 7 पैकेट मसाला होता है ना अगर वो तो फिर तो बेस्ट है। और ये मैक्रोनी मेरी बॉयल हो चुकी है, कितनी अच्छी। और ये थोड़ी ना डिफरेंट वाली थी, ये खाने में बहुत मज़े की थी। इसको हम ऐसे लेयर कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और बस तैयार है हमारी वेज मैक्रोनी।